हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय पेट जोन फॉर यू। दोस्तों, आज जो प्रोडक्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं वो होने वाली है एक डॉग की लीश। दोस्तों, कई बार सिचुएशन ये होती है कि हमारा जो सेट होता है लीश का और कॉलर का, उसमें से जो कई बार जो है लीश हमारी सही रहती है और कॉलर हमारा ख़राब हो जाता है, क्योंकि हम अपने डॉग को फ्रीक्वेंटली नहलाते हैं। इस सिचुएशन में हमारा लीश तो सही रह जाता है और हमारा जो डॉग का जो कॉलर है वो ख़राब हो जाता है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल ही बजटेड डॉग कॉलर, जो कि क्वालिटी में भी अच्छा है और इसका ब्रांड भी काफ़ी अच्छा है। चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इसको फटाफट से कर लेते हैं अनबॉक्स और देखते हैं किस तरीके का प्रोडक्ट ये होने वाला है, क्या इसकी क्वालिटी है। दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट हमने मंगवाया है, ये हमने मंगवाया है अमेज़न से। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो प्रोडक्ट का जो ब्रांड है ये है पेट्स लाइक का ये प्रोडक्ट है। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके की पैकिंग में आया है। दोस्तों, इसका जो MRP है वो है 160 रुपीज़ ओनली। ये देखिए, 160 रुपीज़ ओनली। आपको दूसरे एंगल से दिखा देता हूँ, ये देखिए, ओनली 160 रुपीज़ का है। और दोस्तों, ये मोस्ट बजटेड कॉलर है, मैं आपको बताना चाहूँगा। इस क्वालिटी में और इस ब्रांड में इस प्राइस टैग पे ये कॉलर आपको नहीं मिलेगा। चलिए, इसको थोड़ा सा पैकेट से बाहर निकाल लेते हैं और देखते हैं किस तरह की क्वालिटी इसकी होने वाली है। ओके, ये देखिए दोस्तों, ये है इसका बकल। और इसकी बकल की अगर मैं क्वालिटी की बात करूं दोस्तों, काफ़ी अच्छा है ये क्वालिटी है इसका। ये पॉलिश्ड बकल है, ये देखें। और उसके साथ में ही ये लीश होल्डर, ये देखिए, यहाँ पे एक हुक दिया हुआ है, यहाँ पे आप इसको इस तरीके से लीश अपनी लगा सकते हैं। और दोस्तों, मटेरियल की जहाँ तक मैं बात करूँ तो मटेरियल काफ़ी अच्छा है इसका। और देखिए, ये कुछ रबराइज्ड ग्रिप यहाँ पे दी हुई है। जब आप अपने डॉग को लीश पहनाएंगे तो राउंड करके जब उसका जो सिरा होता है, दूसरा एंड होता है, वो आप यहाँ पे टक इन कर सकते हैं। देखें, ये है यहाँ पे पेट्स लाइक की ब्रांडिंग। और ये है इसका हुक्स के लिए होल्स दिए हुए हैं, देखिए। और इसका मटेरियल देखिए दोस्तों, मटेरियल काफ़ी अच्छा है इसका, देखिए। दोस्तों, ये हमने अपने डॉग के लिए मंगवाया है। और अभी जो सिम्बा की जो एज हो चुकी है वो हो चुकी है 6 मंथ्स। ये छोटे जो डॉग्स के लिए, जो मीडियम साइज डॉग आपका है उसके लिए बेस्ट सूटेबल आपकी कॉलर होने वाली है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके कलर वेरिएंट्स की। दोस्तों, आपको ये जो प्रोडक्ट है ये 8 कलर वेरिएंट्स में आपको मिलता है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो भी आप कॉलर अपने डॉग के लिए ऑर्डर करना चाह रहे हैं वो प्लीज़ अपना जो है साइज़ चार्ट के हिसाब से आप ऑर्डर करें, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पहला जो साइज़ है वो आपका 10 mm का है, जो कि कैट के लिए है, 21 to 27 cm। दूसरा जो साइज़ है वो 15 mm का है, वो पपी के लिए है, 25 to 36 cm। थर्ड है 20 mm, ऐसे ही 25, 32, 38। दोस्तों, एक छोटा सा डेमो मैं आपके लिए यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस तरीके की जो कॉलर है आप इसको किस तरीके से पहना सकते हैं, कितने एज ग्रुप के डॉग के लिए ये बेनिफिशियल है। चलिए, अब चलते हैं सिम्बा की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके की फिटिंग इसकी होने वाली है। ये आ चुके हैं सिम्बा, और ये आ चुका है सिम्बा का कॉलर। और पीपल हु डोंट नो, सिम्बा की एज 6 मंथ्स हो चुकी है। देखते हैं कि ये सिम्बा को फिट आता है कि नहीं आता है। ये देखिए दोस्तों, जैसे हम बात कर रहे थे, आप इसको जैसे इसका दूसरा एंड है ये रबराइज्ड, यहाँ पे आप इसमें डाल सकते हैं, ये देखिए।
ये कुछ इस तरीके से होने वाली है इसकी लुक, ये देखिए। सो ये आइडियली जो है 6 मंथ के डॉग के लिए ये बिल्कुल एक स्नग फिट का कॉलर है, ये देखिए। आप प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में बताइए किस तरीके की लुक आपको यहाँ पे नज़र आ रही है सिम्बा की। सिम्बा कैसा लग रहा है ये वाला कॉलर पहन के? सिम्बा, सिम्बा कैसी लगी कॉलर, सही लग रही है? ये देखिए सिम्बा खुश है। सो दोस्तों ये था ओवरऑल लुक इस कॉलर का, ये था पूरा रिव्यू। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है सो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरीके की वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, बाय सिम्बा।